हेलो, अभी थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, क्लास में वापस आ गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सालोम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर, सालोम एजुकेशन हब पे। और जैसे कि हमारी सीरीज इस टाइम चलती है, जनरल साइंस का टेस्ट चलता है और आज जनरल साइंस का टेस्ट शायद 10वें नंबर का है। तो एक बार मैं इसको रब करता हूँ, वो देखना मार्कर। तो 10वें नंबर का आज टेस्ट चलेगा, सभी जब तक शेयर कर दे। जनरल साइंस का टेस्ट है और जनरल साइंस का आपका टेस्ट जो चलेगा 10वें नंबर का चलेगा। क्लियर है? मैं सभी को शेयर कर देता हूँ, विद इन 2 मिनट अपन चलते हैं। और बहुत अच्छा कल का रिस्पांस था आप सभी का, इवनिंग वाली क्लास भी आपकी बहुत अच्छी है। जो इवनिंग में बच्चे हैं वो जनरल साइंस यहाँ पर लें, इस टाइम जनरल साइंस लें, जिससे कि उनको समझ आ जाए कि सारा जनरल साइंस यहीं से आ जाएगा आपका, कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। क्लियर है? तो अपन स्टार्ट करें। इससे पहले मैं सभी को एक बार शेयर कर देता हूँ इस चीज़ को, जनरल साइंस का अपने पास 10th नंबर की टेस्ट सीरीज चलेगी। अशोक गुड मॉर्निंग, उदयवान, राधे राधे, 10th नंबर की अपनी टेस्ट सीरीज चलेगी जनरल साइंस की। और टेस्ट है अपना 10 नंबर का और ये है अपना स्कोर बोर्ड। ऊपर लिख देता हूं, नाम ज्यादा आने लग गए, स्कोर बोर्ड। क्लियर? थोड़े से नाम ज्यादा आ गए हैं तो अपन उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो सभी का वेलकम, सभी लोग जुड़ जाएं, शेयर कर दें। शेयर करने के बाद अपन थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, जब तक टेक्निकल टीम रेडी हो जाएगी। हाँ, कल 2 सुपर ओवर आपको देखने को मिले, एक प्रीवियस डे का था टेस्ट का और ये। प्रीति गुड मॉर्निंग, अच्छी तैयारी चल रही होगी आप सभी की। आज का देखते हैं कि आज का क्या रहने वाला है। राहुल कुमार, आज का विनर उदय हो सकता है, शायद इतना जोश में है तो हो सकता है, कोई बात नहीं, वो मत करें, छोटी छोटी सी बातें। सभी को हम चाहते हैं कि बिल्कुल फेयर काम हो, तो आपको कहीं भी हार जीत में, कहीं एम्पायरिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? और 3-4 टेक्निकल टीम बैठकर इस चीज़ को देखती हैं, मुस्कुराती रहती हैं बच्चों को। और अब आपका टेलीग्राम पर हो सकता है स्क्रीनशॉट भी देते, कोई ज़्यादा जू झपड़ करेगा तो। क्लियर? तो बच्चे जुड़ना स्टार्ट हो गए, आप शेयर कर दो सभी को कि जनरल साइंस का टेस्ट नंबर 10 अपना चालू होगा, टेस्ट नंबर 10 अपने पास चालू हो रहा है। क्लियर? टेस्ट नंबर 10 आपके पास आ रहा है। क्लियर है? एक तो ये ऐड बहुत आने लग गए, मिनट मिनट में ऐड आ जाते हैं इसमें। तो स्टार्ट करें। मैं टेक्निकल टीम से बोलूंगा कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं उनके लिए प्रस्तुत करें, स्कोर बोर्ड पर आपके पास अवेलेबल हो जाएगा स्कोर बोर्ड। आज का फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस का पेपर बहुत जल्दी आ रहा है। 165 से आगे स्टार्ट कर रहे हैं, 165 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्वेश्चन। कल 164 हो गए थे। क्लियर है? तो अपन आगे बढ़ रहे हैं और इसके बाद कल वाली क्लास से मैं फिजिक्स भी लेना स्टार्ट कर दूंगा। तो कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री के हो गए, कुछ फिजिक्स के ले लें, फिर बॉटनी जूलॉजी के ले लेंगे। वह तत्व जो पृथ्वी पर सर्वाधिक प्रतिशतता में पाया जाता है, ऐसा कौन सा तत्व है जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? देखिए भाई, राहुल का बी आया है, उदयबान का आयरन आया है, आयरन, उदयबान का आयरन आया है, टाइम आउट हो गया है, 4-3 बच्चों ने आंसर दे दिया है। तो देखें एक बार, देखो मैं इस क्वेश्चन को समझाने के लिए, कल भी एक क्वेश्चन आपने बोला था कि मानव शरीर के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपने वहां पर बोला था ऑक्सीजन, तत्व की बात आए। धातु की बात आए तो आप बोलते कैल्शियम, यौगिक की बात आए तो आप बोलते जल। क्लियर? कार्बनिक यौगिक की बात आए तो आप बोलते प्रोटीन,
ये कुछ कंसेप्ट हैं जो आपको बात कर रहे हैं, पृथ्वी पर बात कर रहे हैं। देखो पृथ्वी पर क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, जैसे ये अपनी पृथ्वी है, दिख रहा है सभी को पृथ्वी का ये जैसे वायुमंडल है, अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है तो आप बोलोगे नाइट्रोजन। क्लियर है, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है, आप बोलोगे नाइट्रोजन। आ रही बात समझ में? अगला इसी में वायुमंडल से बोलूं, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी सबसे ज्यादा अक्रिय गैस पाई जाती है वायुमंडल, तो आप बोलोगे ऑर्गन। क्लियर है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा अक्रिय गैस, ये कंफ्यूजन करेगा भाई आपको, अक्रिय गैस कौन सी पाई जाती है। फिर क्वेश्चन आए कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो आप बोलोगे हाइड्रोजन। ये वायुमंडल बना रखा है मैंने, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे हल्की हल्की गैस कौन सी है। क्लियर है, आपसे पूछे कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे भारी गैस कौन सी है, भारी पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे भारी गैस कौन सी है, तो आप बोलोगे रेडॉन। अक्रिय गैस ये सबसे भारी गैस है पृथ्वी के वायुमंडल में, लगभग ना के बराबर आती है वायुमंडल के जगह, ये समुद्र के तलेटी में पहुंच जाती है, इतनी भारी है। ये चीजें आपको कुछ याद रखनी है। अब अपन बात करते हैं, ये तो वायुमंडल की बात हो गई, अब अपन आते हैं पृथ्वी के तल पर, सरफेस पर। अगर यहां पर मैं आपको बात करूं कि भाई वायुमंडल तो बहुत ऊपर तक है, आपके पास आयन मंडल ये सब चीज है, पृथ्वी के जो तल पर जो सबसे अधिक तत्व पाया जाता है वो है ऑक्सीजन। मानव शरीर में भी वही है, और तत्व वर्ड होना चाहिए, तत्व इंपॉर्टेंट है, तत्व वर्ड होना चाहिए। क्लियर है, यह बात आपको क्लियर होगी। धातु की बात की जाए, धातु पाया जाता है एल्यूमिनियम। धातु की बात की जाए तो धातु कौन सा पाया जाता है, एल्यूमिनियम। सेकंड नंबर का तत्व पाया जाता है, सेकंड नंबर का तत्व पाया जाता है सिलिका, SI मिट्टी सिलिकन होती है। क्लियर है, तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, तो बार बार आपके पास कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इस क्वेश्चन का आंसर जो मेरे को सबसे पहले मिला है वो राहुल का मिला है, ऑक्सीजन इसका सही आंसर है। याद रखना अशोक, ऑक्सीजन सही आंसर है। अगर आप राजस्थान पुलिस इनकी तैयारी कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो राहुल का स्कोर बोर्ड पर स्वागत है। शायद कल भी राहुल फर्स्ट टाइम पर स्कोर बोर्ड पर आया था, और कल का विनर था राहुल, राहुल ही था। क्लियर है, तो ये मैंने आपको चीजें समझा दी, भविष्य में गलत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आज का सेकंड क्वेश्चन नंबरिंग का 166, बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, कोई पूजा पाठ में व्यस्त होंगे, रात में इनको ज्यादा देर तक जगाता हूं, और आज तो बहुत ज्यादा देर जगाऊंगा, 12-1 बजे तक, सुबह उठा नहीं जाता तुम लोगों से, घरवालों से कह दो टेंशन ना दे बस। वायरस क्या है, प्रोटीन लिपिड न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट या निम्न में से कोई नहीं, वायरस वायरस क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायरस वायरस क्या है, वायरस मैंने इवनिंग की क्लास में पढ़ा भी रखा है, तो आपके बच्चों का आंसर सही होना चाहिए। चलो टाइम आउट हो गया, मैंने आपको बताया था जैसे वायरस का एक छोटा सा चित्र बता के, क्वेश्चन छोटा कर देना, चित्र बना दूं टेडपोल टाइप का, जो बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये बैक्टीरियोफेज वायरस है जो बैक्टीरिया का भोज करता है, ये है, ये एक वायरस का मैंने चित्र बनाया है। वायरस में एक कैप्सूल होता है जो प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन यानी वायरस में प्रोटीन होता है। अनुवांशिक पदार्थ या तो DNA होता है या RNA होता है, कोई एक होता है अनुवांशिक पदार्थ, यानी आप बोलोगे न्यूक्लिक अम्ल भी पाया जाता है, यानी
जो वायरस है वो प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड होता है, लेकिन न्यूक्लिक एसिड प्रॉपर वाला नहीं होता, या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, या तो आपको आरएनए मिलेगा या फिर आपको डीएनए मिलेगा, ये इसके अंदर होता है। तो आपका ऑप्शन बी है और बी मेरे को आंसर दिया है हरीश ने, वेरी गुड हरीश। हरीश की एंट्री हो चुकी है, क्लियर, हरीश की एंट्री हो चुकी है और हरीश आज पूरे जोश में है, देखो आ रही बात समझ में, तो आपको ये याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 167, थोड़ा सा जल्दी करते हैं जिससे क्वेश्चन जल्दी कंटेन हो जाए और मेरे को भी समय मिल जाए, क्योंकि मेरे को बहुत सारी स्लाइड्स बनानी है इवनिंग के लिए, तो इतना काम है, अगर 5-6 घंटे बैठूंगा तब जाके आपकी इवनिंग की स्लाइड्स जो आपकी राजस्थान पुलिस की चल रही है वो आ जाएंगी, और आपने देखा होगा स्लाइड से आपको याद हो जाता है। पैराशूट बनाने में प्रयुक्त होने वाला बहुलक पदार्थ, पैराशूट किससे बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा पॉलीमर है जो पैराशूट के अंदर डाला जाता है। पैराशूट मजबूत होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, फटे नहीं, और हल्का होना चाहिए, सलवटे नहीं पड़े, ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं। हाँ, उदय बान का टाइम आउट होने के बाद आंसर आया है, टाइम आउट टाइम इसलिए देते हैं गूगल से कोई ना देख ले, क्लियर। तो नो डाउट पैराशूट होता है विस्कॉस, विस्कॉस बहुलक का पैराशूट बना होता है, ओके विस्कॉस, तो आपको भविष्य में याद रखना है। बी ऑप्शन दिया है तो थोड़ा क्लियर करो गुरुजी, बी ऑप्शन मैंने दिया है, विस्कॉस एक बहुलक है, विस्कॉस ऐसा बहुलक है जिसके बहुत मजबूत है, सलवट नहीं पड़ती और हल्का है। रियोन की अगर मैं बात करूं, रियोन नो डाउट वो हल्का है लेकिन फट जाता है, रियोन कपड़ों में ज्यादा अच्छा है आपका, वो बन सकता है जैसे क्या बोलते हैं उसको, रेनकोट, रियोन के रेनकोट मिल सकते हैं। कपास अलग चीज है, टेरिलीन अलग चीज है, टेरिकोट वाला टेरिलीन है, टेरिलीन में कॉटन मिला दोगे तो टेरिकोट बन जाएगा, तो कपड़ों में काम आने वाली चीज है, क्लियर है। तो आपको याद रखना है विस्कॉस इसका है, पैराशूट कभी भी आए तो विस्कॉस आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर किसी ने दिया नहीं था क्योंकि टाइम ओवर होने के बाद उदय का आंसर आया। 168 आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, याद भी करते जाना इन चीजों को। 168 क्वेश्चन है, भाई उदयबान इस पे डिस्कस नहीं हो सकता, टाइम आउट के बाद मेरे को दिख रहा है तो इस पे कोई डिस्कस नहीं कर सकता मैं। पीने वाला सोडा होता है क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, ऑक्सीकारक। क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, उदासीन होता है या ऑक्सीकारक होता है, जो भी आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, थम्सअप पिया, ड्यू पिया, कुछ भी पी, जो भी चीज आप पीते हो वो आपके पास क्या है। देखिए भाई, जब भी आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, पीने वाला जो सोडा जो आप बोलते हो जिसे, वो हमेशा क्या होता है, अम्लीय। आप अगर आपको एसिडिटी है तो आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए और अम्लीय हो जाएगा। कोल्ड ड्रिंक का पीएच अगर आप देखते हो, पीएच आपके पास अगर कोल्ड ड्रिंक का देते हो तो 6.2 के आसपास का पीएच होता है कोल्ड ड्रिंक का, क्लियर। तो जो कोल्ड ड्रिंक है यानी ड्रिंकिंग सोडास जो हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, अम्लीय हैं, क्लियर, अम्लीय हैं। और अम्लीय के हिसाब से, हाँ अम्लीय है, अम्लीय के हिसाब से सबसे पहला आंसर यानी बी ऑप्शन होगा। और अम्लीय किस, हाँ
रवि आया है और ये उदयपान क्या कह रहा है भाई, डिस्टर्ब हो रहा हूं मैं काफी। हाँ क्या कह रहा है एक बार देखना इसकी क्या रामायण। उदयपान देखना पहले दिया है गुरु देख देख के टाइम आउट, टाइम आउट के बाद दिया है। मैं तेरे को एक बार दिखा देता हूं फिर वापस मेरे को दिखाना पड़ेगा भाई, उदय को दिखाना पड़ेगा, लेकिन मैं बार बार इतना डिस्टर्ब होऊंगा नहीं भाई, ये लास्ट बार मैं दिखा रहा हूं, किसी को समझ आए तो बढ़िया। ये देख भाई दिख गया, दिख रहा है स्क्रीन पर है ना, दिख रहा है टाइम आउट के बाद उदय का बी आया है। टाइम आउट के बाद तो अब मैं हो सकता है कि अब वो संतुष्ट हो इस बात से। ओके और टेक्निकल टीम क्या करेगी, टेक्निकल टीम कुछ नहीं कर सकती इसमें, कोई वो टाइप तो कर नहीं सकती, अपना आप जो नेट के द्वारा आता है। क्लियर है, तो रवि का आंसर आ चुका, तीन क्वेश्चन आज के हो चुके हैं और मैं टेक्निकल टीम से बोलूंगा कि अब वो 169 की तरफ चले, 169। चैन बंद कर लेना भाई, 169। उदयपन आपका नहीं देखना, मेरा वाला देखना है जो यहां से जाएगा वही मान्य है। लेड भंडारण बैटरी का कैथोड निर्मित होता है, कल भी अपन ने डिस्कस करा था, लेकिन यहां पर लेड वाला है, कल हमने ड्राई सेल करा था। लेड भंडारण बैटरी का कैथोड निर्मित होता है, कैथोड मतलब है माइनस चार्ज। कैथोड निर्मित होता है, माइनस चार्ज निर्मित होता है। कल आपने जो बात करी थी, कल की मैं बता दूं, कल हमने शुष्क सेल की बात करी थी जिसका खोल जिंक का था और बीच में क्या लग रहा था, ग्रेनाइट लग रहा था, ग्रेनाइट माइनस का और जिंक किस में था, प्लस में था, यानी एनोड था। आज क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, लेड बैटरी जो अपने इन्वर्टर में लगती है उनकी बात कर रहे हैं। क्लियर, अगर मैं इन्वर्टर की बात करूं, टाइम आउट हो चुका है, तो ये एक मैं चित्र बनाता हूं जिससे आपको थोड़ा समझ आए। जो लेड बैटरीज होती हैं इसमें ऐसे जाली होती हैं और ये जाली बनी होती हैं पीबीओ की, पीबीओ इसे लिथार्ज बोलते हैं, पीबीओ की बनी होती हैं, इसे आप वैसे साइंटिफिक नेम दे सकते हो लेड ऑक्साइड, आप इसे साइंटिफिक दे सकते हो लेड ऑक्साइड, और यही माइनस आवेश लिए रहती हैं, यही माइनस आवेश लिए रहती हैं, तो आपके पास माइनस आवेश का होता है लेड ऑक्साइड पीबीओ जिसे बोलते हैं लिथार्ज। फिर क्योंकि इसमें H2SO4 भरा होता है, जब आप बैटरी चार्ज करते हो तो यही जो जाली पीबीओ है ये बन जाएगी PbSO4, ये क्या चीज बन जाएगी PbSO4, और PbSO4 जब चार्ज हो जाती है बैटरी तो वही चीज क्या कहलाती है PbSO4। एकांतर क्रम में एनोड कैथोड लगे हुए होते हैं, लेकिन आपको याद रखना है नेगेटिव चार्ज यानी कैथोड क्या होता है, लेड ऑक्साइड, आंसर आएगा सी। अब मेरे को बताओ कि सी आंसर किसने दिया है पहले, प्रियंका यादव सी लेके आई है, आपको याद रखना है प्रियंका यादव, प्रियंका यादव का स्वागत है स्कोर बोर्ड पर। सभी अभी बराबर चल रहे हैं, सभी बच्चे बराबर चल रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है कार्यक्रम। याद रखना है भाई, कल मैंने आपको ड्राई सेल बताया था, आज मैंने आपको बता दिया है
द्वितीयक सेल जो रिचार्जेबल है और उसमें भी जिसमें H2SO4 भरा होता है लिथार्ज वाला यानी लेड वाला इन्वर्टर बैटरी 170 आपके पास स्क्रीन पर आएगा 170 निम्न से कौन रेडियोधर्मी है रेडियो एक्टिव बताना है रेडियोधर्मी उदयभान भाई व्हाट्सएप आपका नहीं देखना आपको हमारा देखना स्क्रीनशॉट आपका हमें नहीं देखना हमारा आपको देखना है क्योंकि स्कोरबोर्ड हमारे हाथ में आपके हाथ में भी जो सर्वर है वो हमारे पास है तो देखिए भाई आंसर आपका है थोरियम देखो सीजियम सिंपल सा है प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु है स्ट्रॉन्शियम आपको मैंने बताया था रंग रेड कलर का रंग बनाने के लिए फास्फोरस में डाला जाता है ये कोई रेडियो एक्टिव नहीं है तो आप खत्म ही हो जाओगे तो थोरियम जो आपका है रेडियो एक्टिव धातु वाला है रेडियो एक्टिव पदार्थ है तो आपका आंसर आएगा थोरियम डी किसने दिया है उदयभान ने तो आखिरकार लड़ते झगड़ते उदयभान भी पहुंच चुका है स्कोर बोर्ड पर तो उदय पहुंच चुका है स्कोर बोर्ड पर बहुत बढ़िया एक्सीलेंट वंडरफुल क्लियर है तो अब अपन पहुंचते हैं 171 क्वेश्चन की ओर 171 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है बहुत अच्छा कलेक्शन आपके पास तैयार हो रहा केमिस्ट्री का सारा आपका फंडा क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे अब फिजिक्स को भी हमें लेना है जिससे कि हमें राजस्थान पुलिस का कोई भी क्वेश्चन गड़बड़ ना हो सारा हमारे पास आ जाए 171 क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है आपके पास और आ चुका है कांच का ऊष्मारोधी प्रकार यानी ऐसा कांच जो ऊष्मारोधी हो जिसपे ऊष्मा का बहुत कम प्रभाव हो प्रसारित ना हो ऊष्मा पड़ते प्रसारित ना हो ऊष्मा को सहन कर सके ज्यादातर बच्चों का सही है सभी को पता भी है पाइरेक्स ग्लास ग्लासों की बहुत सारी कैटेगरी होती है पाइरेक्स ग्लास है आपका पाइरेक्स ग्लास है और इसके जो अपने उपकरण बनते हैं जो अपने लैब्स में जो उपकरण बनते हैं वो पाइरेक्स ग्लास के ही होते हैं ऊष्मा के द्वारा प्रसारित नहीं होते जितने भी वैज्ञानिक कोई ट्राइटेशन या कुछ भी सॉल्यूशन बनाकर कोई प्रैक्टिकल करना चाहते हैं वो पाइरेक्स ग्लास पर ही अपने काम करेंगे बोरोसिल की जो ट्यूब्स होती हैं वो भी पाइरेक्स लेकिन इतना अच्छा क्वालिटी का पाइरेक्स नहीं फिर भी वो पाइरेक्स की होती हैं क्लियर है तो ये क्वेश्चन का आंसर उदयभान ने दिया था उदयभान का सही आया फर्स्ट यानी पहली बार में दिया काफी बच्चों ने सही करा लेकिन फर्स्ट टाइम जो दिया तो आपका उदयभान का सही है ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 172 नंबर का क्वेश्चन 172 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी अपन अगर करें अपना कलेक्शन तो जल्दी होगा काम जहां जरूरत पड़ेगी मेरे को समझाने की मैं उतना आपको समझा दूंगा निम्न से कौन सा अयस्क लोहे की सबसे अधिक मात्रा रखता है लोहे की सबसे अधिक मात्रा रखता है लोहे की सबसे अधिक मात्रा रखता है उदयभान ने अपना आंसर किया देखो आ जाओ क्वेश्चन पे हेमेटाइट एक बार हेमेटाइट के बारे में बता रहा हूं क्लियर हेमेटाइट
Fe2O3 ये हेमेटाइट का है। मैं आपको बस मैग्नेटाइट पर आ रहा हूं, मैग्नेटाइट क्लियर है। ये Fe3O4, कभी आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा जो लोहा निकाला जाता है, सबसे ज्यादा आयस के रूप में जो लोहा निकाला जाता है वो हेमेटाइट से होता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा लोहे का प्रतिशत या लोहे की मात्रा किसमें होती है उस अयस्क में, तो आप देखो लोहा कितना है यहां पर, 3, यहां पर कितना लोहा है, 2। लोहे की मात्रा के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन। अगर आप ढंग से पूछो लोहे की सबसे अधिक मात्रा किसमें पाई जाती है, तो आप बोलोगे मैग्नेटाइट में पाई जाती है, मैग्नेटाइट में, मैग्नेटाइट में पाई जाती है। मैग्नेटाइट मतलब बी ऑप्शन है, तो आपका देखें किसी ने बी करा है कि नहीं। उदयबान ने करा था लेकिन अपना डिलीट कर दिया उसने, उसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं था, सारे लोग ए कर रहे हैं तो अपन भी ए कर देते, वहां पर डिलीट कर रहा है। क्लियर है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अब मैं फिर समझा देता हूं, क्वेश्चन आए सबसे ज्यादा लोहा किस अयस्क से प्राप्त होता है, तो आप बोलोगे हेमेटाइट। क्वेश्चन आए किस अयस्क में लोहे की मात्रा ज्यादा है, मात्रा देखो 3, तो आपका आएगा मैग्नेटाइट। याद रहेगी भाई बात, कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए, कहीं आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, 173। राहुल हेमेटाइट के अंदर आपके पास, मैं फिर बता रहा हूं, वो एस बुक के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं, एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। आप छोड़ो बुक यार, फॉर्मूला लिख लो। आपसे मात्रा पूछ रहा है कि लोहे की मात्रा किस अयस्क में ज्यादा होती है। बहुत सारे अयस्क होते हैं, बहुत सारे, जैसे लिमोनाइट है उसमें बहुत सारा कूड़ा कंकट है। आप 5 किलो का पत्थर लिमोनाइट का लोगे, लोहा निकलेगा 1/2 किलो। आप हेमेटाइट का 5 किलो का पत्थर लोगे, लोहा निकलेगा 3 किलो। आप मैग्नेटाइट का लोगे, लोहा पत्थर लोगे 5 किलो का, यानी अयस्क लोगे 5 किलो का, निकलेगा 4 किलो लोहा। अरे बात समझ में, फिर आपको अगर समझा दूं, क्वेश्चन छोटा करना, फिर मैं आपको बता देता हूं। एक बार क्वेश्चन छोटा कर के, 3 अयस्क हैं, मैं चीज समझा रहा हूं। ये भी आपने एक अयस्क निकाला 5 किलो का, ये भी 5 किलो का, और ये भी 5 किलो का, क्लियर है। ये अपने पास है जैसे मैग्नेटाइट, ये सॉरी, ये अपने पास है हेमेटाइट, क्लियर है। ये आपके पास है मैग्नेटाइट, ये आपके पास है लिमोनाइट, क्लियर है। 5 किलो 5 किलो का आपने आयस निकाल लिया, जब आपका इसका पगलन करा, वात्यभट्टी, बेसेमर, चुंबकीय विधि इनसे करा, तो इसमें से आपको मिल रहा है 3.5 किलो का लोहा। इसका करा तो वही 5 किलो का है, यहां पर आपको मिल रहा है 4 किलो का लोहा, वही 5 किलो का है, सारे प्रोसेस के बाद इसमें मिल रहा है 3 किलो का लोहा। तो सबसे ज्यादा लोहा किस अयस्क से मिला, आप बोलोगे मैग्नेटाइट। मैं ये वाली चीज समझ जा रहा हूं। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि अगर हम सारे अयस्क देखेंगे और अयस्क इतना सारा निकल रहा है, तो सबसे ज्यादा लोहा किस अयस्क से प्राप्त होता है, क्योंकि पृथ्वी में से सबसे ज्यादा अयस्क लोहे वाला कौन सा निकलता है, तो आप बोलोगे हेमेटाइट। बस इतना सा आपको याद रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना, चाहे किताब में देखा हो चाहे किसी में देखा हो, कुछ नहीं कह रहा मैं आपसे, मैं आपको समझा रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप खुद फॉर्मूला देख लो ना, उसी से आपको पता चल जाएगा किसके जो परमाणु है ज्यादा है आपके पास। क्लियर भाई, मैंने केमिस्ट्री से एमएससी कर रखी है, थोड़ा सा बता दूं मैं आपको। तो आपको ये कंफ्यूजन दूर कर देता हूं कि मैं मैथ से एमएससी नहीं हूं, केमिस्ट्री से एमएससी हूं। तो राहुल को अब थोड़ा सा विश्वास हो जाएगा मुझ पे। क्लियर है, 173 क्वेश्चन आ गया था स्क्रीन पे, तो राहुल कुमार को थोड़ा सा मेरे पे विश्वास होना चाहिए था, ठीक है। थोड़ा सा विश्वास अगर हो जाए तो बढ़िया है। तो क्वेश्चन है 173, दूध के पाश्चरीकरण का आशय क्या है, कि दूध को 72 डिग्री पर से अधिक पर गर्म करना, 62 से अधिक पर गर्म करना, दूध को लगभग 62 पर ठंडा करना। ठंडा वाले तो दोनों ऑप्शन हटा दो भाई, ठंडे वाले तो दोनों ऑप्शन बता दो। मैं आपको बता देता हूं कि दूध का जो बैक्टीरिया होता है, जो लैक्टिक एसिड बनाता है,
वो लगभग 60-65 की रेंज पर खत्म हो जाता है, इससे नीचे एक्टिव रहेगा। इस पे रेंज पे हम इससे ज्यादा टेम्परेचर दे सकते हैं, लेकिन पाश्चरीकरण ये बोलता है कि अगर आप ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो फैट के जो अणु है वो टूट जाएंगे। फैट के अणु अगर टूट जाते हैं ज्यादा टेम्परेचर में, तो फिर वो कोलाइड विलयन से ना बदल कर कुछ और बन जाएगा और फिर वो फैट ऊपर आने लग जाएगा, मलाई जम जाएगी। तो डेयरी वाले क्या करते हैं, डेयरी वालों की अगर आप दूध की थैली दोगे तो उसमें मलाई नहीं होगी, क्लियर है? क्योंकि वो 100 डिग्री पर नहीं उबाल रहे उसको, वो 70 डिग्री पर नहीं उबाल रहे। वो क्या करते हैं, एग्जैक्ट वही टेम्परेचर देते हैं जिस पर वो बैक्टीरिया जस्ट मर जाए, क्लियर? तो बैक्टीरिया जो डेड होता है, वो जस्ट जो डेड होता है वो 60-65 के बीच में हो जाता है, औसत 63 आप बोल सकते हो, क्लियर है? तो पाश्चरीकरण 100 डिग्री पर भी मर जाएगा, लेकिन 100 डिग्री पर जो अपने दूध में फैट है उसका कोलाइड बन जाएगा और वो मलाई के रूप में हो जाएगा, और वो थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि आपको दूध की थैलियों में मलाई नहीं मिलती है। तो आपका आंसर आएगा बी ऑप्शन, 62 डिग्री से अधिक पर गर्म करते हैं। अधिक का मतलब है 72 है जैसे, लेकिन अधिक का मतलब इसके आसपास गर्म करते हैं, क्लियर है? तो आपका जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन आएगा, और बी किसने करा है, प्रियंका ने बी करा है, उदय भान के बराबर हो चुका है। ये आपको चीजें समझनी है, समझते हुए आगे बढ़नी। नेक्स्ट क्वेश्चन 174 आपके पास आना चाहिए। एल्यूमिनियम का शोधन किससे किया जाता है? एल्यूमिनियम का शोधन यानी जो आप आयस से एल्यूमिनियम निकालेंगे, फाइनल एल्यूमिनियम, वो किस विधि से जाता है? ऑक्सीकरण, आसवन, विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस जिसे बोलते हैं, तो किस विधि से होता है? एक बार बात बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने आप अगर बाजार जाते हो और मैं आपसे बोलता हूं यार लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम में अगर आप खरीदने जाओगे तो किसकी रेट ज्यादा है? आप बोलोगे एल्यूमिनियम की। फिर आप ये बोलोगे साहब एल्यूमिनियम तो सबसे ज्यादा पृथ्वी पे पाया जाता है, एल्यूमिनियम धातु तो सबसे ज्यादा पृथ्वी पर पाया जाता है, फिर ये लोहे से कॉपर से महंगा क्यों है? तो महंगे का मतलब है कि जब बॉक्साइड एस से, एल्यूमिनियम के बॉक्साइड एस से फाइनल एल्यूमिनियम निकाला जाता है, तो वो प्रोसेस महंगा वाला है क्योंकि वहां पर विद्युत अपघट्य विधि द्वारा, विद्युत अपघट्य विधि द्वारा आपका जो एल्यूमिनियम है वो अलग होता है। फाइनल जो शुद्धतम एल्यूमिनियम मिलता है विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य का मतलब हो गया कि ये अगर एक अशुद्ध आपके पास है और यहां पर शुद्ध एक रॉड होती है तो यहां पर वो इकट्ठा होना लग जाता है, इस पे जमने लग जाता है, क्लियर? विद्युत अपघट्य किया जाता है। तो ये आपके पास सी ऑप्शन आएगा, और राहुल ने सबसे पहले सी दिया है, याद रखना। इसीलिए एल्यूमिनियम महंगा है क्योंकि विद्युत अपघट्य विधि बहुत महंगी है, क्लियर है? विद्युत अपघट्य विधि बहुत महंगी है, तो आपको चीज समझनी है। मैं आपको समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूं जिससे पेपर में कभी क्वेश्चन आए तो आप तुरंत समझ जाएं कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 175 आपके पास, इसका मैंने लगा दिया ना निशान राहुल के लिए, 175। अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जा सकता है, अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जा सकता है। हाँ? हाँ?
तो उसका वो देख ले भेज दे भाई। टेक्निकल वाले 174 में ये बोल रहा है, टेक्निकल वाला मैंने दिया है, हम हमारे सर्वर पे एक बार चेक कर लें कि 174 का किसने दिया है। टेक्निकल जो जो है जो टेक्निकल चैनल वाला है उसका चौथे नंबर पे आंसर आया है, उससे पहले अजय सोलंकी ने जो कि गलत था बी ऑप्शन, राहुल कुमार ने सी दिया था, क्लियर है, फिर उसके बाद उदय बान ने बी दिया था, फिर आपके पास टेक्निकल वाले का आंसर आया है सी, क्लियर है। तो मैं अगर आप चाहो तो मैं लास्ट बार दिखा रहा हूं, इसके बाद कभी नहीं दिखाऊंगा, एक बार फिर मैं टेक्निकल वाले को टेक्निक दिखा देता हूं। तो टेक कौन सा वाला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है 174। एक बार रुक जाओ, मैं टाइम वेस्ट करते हैं ये बच्चे 174। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 174 का दिख रहा होगा, देखना स्क्रीन पर दिख रहा है नाम, हाँ क्वेश्चन को हटा दे, नीचे कर दे, दिख रहा है। तो अब अपने टेक्निकल टीम टेक्निकल चैनल वाला देख लेगा बाकी बाद में। तो इस वाले का आंसर करते हैं 175 का आंसर करते हैं, क्लियर है। देखो अगर मैं आपसे कपूर के बारे में बात करूं, कपूर जैसे ये है कपूर, कपूर ठोस अवस्था से कभी द्रव अवस्था में आपको नहीं मिलेगा, ये सीधा किस में चला जाता है, गैस अवस्था में, यानी गैस बन जाती है। और अगर आप गैस अवस्था से वापस कपूर प्राप्त करना चाहते हो तो भी ऐसा ही चलेगा। और जो इस टाइप का प्रोसेस होता है जिसमें ठोस गैस, गैस ठोस में बदलता है, उसे ऊर्ध्वपतन या सब्लिमेशन बोलते हैं। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि अशुद्ध कपूर है उसको भी आप शुद्ध बनाओगे, जैसे मैं इसमें अशुद्धि मिला दूं, कुछ अशुद्धि मिट्टी मिला दी, सबसे पहले तो आप इसे गैस में कन्वर्ट करोगे, जैसे गैस में जाएगा ये शुद्ध होगा। और अब इसको ठंडा कर लो, इसे ठंडा कर लोगे तो वापस अपने पास शुद्ध कपूर हो जाएगा, क्लियर। तो आपका आंसर आएगा सब्लिमेशन, यानी ऊर्ध्वपतन बोलते हैं इसको वैसे ओरिजिनल हिंदी में, लेकिन फिर भी आप यहां पर गूगल वाला ट्रांसलेट है तो उसको देख लेना, तो सब्लिमेशन याद रख लो आप। और इसका आंसर आप किसने दिया है वो देख लेते हैं, 175 क्वेश्चन है, किसने दिया है, इसका सही आंसर ए ऑप्शन है, बबलू मीना ने दिया है, वेलकम बबलू का, स्वागत है बबलू का स्कोर बोर्ड पर, क्लियर है। तो मैं आपको समझा पाया हूंगा ये, तो ये आपको देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 176 नंबर का, आपकी स्क्रीन पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, 176 नंबर का क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। हरित प्रभाव की वजह है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये हजार बार मैं करा चुका हूं, तो फिर भी बच्चा अगर गलत करने पर उतारू है तो मेरे बस की बात नहीं है उसे, क्लियर है। तो मैं इस क्वेश्चन में ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा, CO2 हरित गैस, CO2 सभी को याद हो जानी चाहिए थी, कार्बन डाइऑक्साइड कई बच्चों ने तो ठान रखी हम ऐसे कैसे रहेंगे, टीना बोल रही है कि अपन कितना ही आप पढ़ा दो साहब, अपन तो CO2 को हरित ग्राव हरित प्रभाव वाली गैस बताएंगे ही नहीं, नाइट्रोजन को बताएंगे जो वातावरण में सबसे ज्यादा है, क्लियर है। ऐसे ऐसे बच्चे भी है बैठे हुए हैं, क्यों ना बनाए इनकी मूर्त और इनको लगा दें मंदिर में या फिर म्यूजियम में, इन बच्चों को म्यूजियम में पहुंचा दिया, कुछ तो चलो टिकट का पैसा मिलेगा और तो कोई काम आ नहीं सकती, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 170 इसका प्रियंका का आया, ये सही है, बहुत बढ़िया, प्रियंका टॉप पर आ गई, आज का विनर प्रियंका होने सकती है, तो दिल थाम के बैठे, नया विनर आज मिल सकता है हमारे को। 177 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है,
177 ठोको ताली, वेरी गुड, ठोको राहुल ताली। और ये क्वेश्चन गलत करा था राहुल ने डी, इसलिए भी ताली ठोकनी चाहिए। मुद्रालय पहले भी डिस्कस हो चुका है भाई, जो प्रसारित नहीं होता, जो लिक्विड से ठोस बनता है तो प्रसारित नहीं होता, वैसा का वैसा रहता है। मैं पहले बताया था जो टाइपिंग मेटल होता है, एक मिश्र धातु है, किसका होता है भाई? सीसा और एंटीमनी। सीसा और एंटीमनी याद रख लेना भाई, सीसा और एंटीमनी। टाइपिंग, जो टाइपिंग के जो खांचे बनते हैं जिसमें लेटर टाइप जो प्रिंट अपना प्रिंट करते हैं, वो वाला टाइपिंग मेटल सीसा और एंटीमनी का कुछ एक दो दिन पहले भी टेस्ट में आया था, जब मैंने आपको बताया था कि एंटीमनी प्रसारित नहीं होता, जैसा का जैसा है वैसा का वैसा रहता है। तो ये आंसर आपका बी ऑप्शन सही है। और मुझे बताएं कि बी किसने करा है? प्रियंका ने। प्रियंका लंबी छलांग लगाते हुए 4 पर पहुंच चुकी है, बाकी जो अपने लड़के बंधु हैं वो अभी आसपास भी नजर नहीं आ रहे। बहुत बढ़िया, 178 पर पहुंचे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन 178। मजा आ रहा है, बच्चे धड़ाधम क्वेश्चन कर रहे हैं। कोको कोला का खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति में है? ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। आपने अभी देखा था कि जो कोको कोला इस टाइप के एसिडिक होते हैं, ये अभी आपने एक क्वेश्चन करा। अब तो क्वेश्चन बोल रहा है कि वो खट्टे स्वाद के क्यों होते हैं, उनमें ऐसा क्या मिलाया गया है कि वो खट्टा है? क्लियर है? एक ने तो नमक का तेजाब भी मिला दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अरे भाई बबलू, विकास, उदयभान, ये टॉयलेट क्लीनर ही मिला लिया क्या भाई? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाँ साहब, कई एडों में दिखाते हैं कि वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल से टॉयलेट भी साफ हो जाता है। अरे टॉयलेट तो नींबू के रस से भी उतना ही साफ हो जाएगा, बेफिक्र रहे। नींबू का रस लेना कटोरी में सारा निचोड़ के, और जहां पर आप सुबह सुबह नित काम के लिए जाते हो वहां पर उसको डाल के देखना और बुरश से लगाना, नींबू से भी साफ हो जाता है। कोल्ड ड्रिंक से नहीं, नींबू से भी साफ हो जाएगा भाई। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो टॉयलेट क्लीनर, हार्पिक और पीले रंग की जो बोतल होती है वो होती है भाई, वो कोको कोला में मत मिला देना। क्लियर है? तो भाई कई बच्चों ने अब देख लिया होगा गूगल सर्च करके, फॉस्फोरिक अम्ल है वो, बी ऑप्शन। कोल्ड ड्रिंक के अंदर मिलाया जाता है फॉस्फोरिक अम्ल। क्लियर? फॉस्फोरिक अम्ल आपका आंसर सही है। तो बी ऑप्शन एक बार टेक्निकल टीम देख ले कि, हाँ बी ऑप्शन किसी ने दिया है? टाइम ओवर के बाद टीना ने जो हार्पिक मिलाया था उसकी जगह फिर इसने फॉस्फोरिक अम्ल मिला दिया है। एसिडिक एसिड नहीं होता, सिरका नहीं होता, पूजा यादव। ओके, उदयभान फॉस्फोरिक अम्ल अब बोल रहा है, बहुत ही बढ़िया। एसिडिक एसिड नहीं होता, क्लियर है? एसिडिक एसिड नहीं मिलाया जाता, फॉस्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है, सिरका नहीं मिलाया जाता। अगर हम सिरका मिला देंगे तो प्रॉब्लम यह है कि कार्बोनेट फिर CO2 गैस कैसे निकलेगी? क्लियर? CO2 गैस को कैसे निकाल पाएंगे? ओके, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। फॉस्फोरिक अम्ल आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, और कोई कंफ्यूजन हो तो अपन बाद में और देख लेंगे। 179 आपकी स्क्रीन पर है, इसका किसी ने आंसर नहीं दिया था। क्लियर? टाइम आउट के बाद आंसर आया है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखें एक बार। प्रियंका यादव का आंसर, टेक्निकल का आंसर। प्रकाश का प्रकीर्णन किसके अंदर होता है? प्रकीर्णन पहले पता होना चाहिए।
प्रकीर्णन पहले आपको पता होना चाहिए। प्रकीर्णन के बारे में बता देता हूं, वैसे फिजिक्स का चैप्टर है। प्रकाश जब धूल आदि कण जैसे ये हैं इनके टकराता है तो ये फट जाता है, प्रकीर्णन, फट के फैलना, ओके, फट जाता है। तो आप बोलते हो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, तो लाल रंग को आप ज्यादा दूर तक देख लेते हो, ज्यादा दूर तक दिखता है। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य कम है तो ज्यादा फटता है, जल्दी से फैल जाता है, तो फटना हो गया। अब प्रकाश का प्रकीर्णन किस सॉल्यूशन के अंदर होगा, जिसके अंदर धूल आदि टाइप के कण हो, यानी ठोस कण हो, ठोस कण हो। और आपको पता होना चाहिए कि ठोस कण होते हैं कोलाइड सॉल्यूशन में। कोलाइड जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर ठोस निलंबित कण होते हैं, जब प्रकाश उसके अंदर से गुजारा जाएगा तो उसका प्रकीर्णन होगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक अलग चीज है, मैंने अभी आपको बताया था एल्युमिनियम टाइप की, इलेक्ट्रोलाइसिस भी एल्युमिनियम टाइप का हो गया, ये एक अलग चीज है, सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस अलग चीज है। कोलाइड सॉल्यूशन जिसमें ठोस अवस्था में, लिक्विड में ठोस अवस्था में कण होते हैं जो दिखते रहते हैं, और प्रकाश अगर उसमें से गुजारा जाएगा, कण मिल गया ठोस, तो वहां पर टकराएगा। टिंडली इफेक्ट एक अलग प्रक्रिया हो गई, आप इसमें कोलाइड का एक अलग रूप पे आ गए अपन, ओके, वो बोल सकते हो। टिंडली इफेक्ट के लिए सॉल्यूशन नहीं चाहिए, टिंडली इफेक्ट दिख जाएगा। जैसे आप झाड़ू लगाते हो, झाड़ू लगाते हो तो फिर आप कई बार प्रकाश के अंदर, प्रकाश जब आ रहा होता है तो वो आपको कण दिखने लग जाते हैं, वो टिंडली इफेक्ट हो गया। वहां पर प्रकाश के कण फटते नहीं है, क्लियर है? तो अपने पास डी ऑप्शन वाले बच्चे बताएं, फर्स्ट डी ऑप्शन किसका है? प्रेंग का, बहुत तेज गति से आगे बढ़ते हुए, पांच क्वेश्चन उसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 180 नंबर का, और 180 नंबर के क्वेश्चन में आयोडीन नमक लाभदायक है, ये तो सभी कर देंगे, रक्तचाप के लिए, निर्जलन को रोकने के लिए, थायराइड कार्य करने के लिए, लार ग्रंथि के लिए, सभी क्वेश्चन कर देंगे। इनको दासु लोगों ने इसके भी आंसर ए दिए हैं। अरे रक्तचाप के लिए सोडियम है, आयोडीन नहीं, कुछ बावड़े जलन रक्तचाप दिख रहे हैं, सब बीपी मेरा खराब हो जाता है, आयोडीन से नहीं होता, सोडियम नमक, सोडियम एने उससे होता है, यहां पर आयोडीन की बात हो रही है भाई, क्लियर सन्नी मोहन? आयोडीन की बात हो रही है, नमक की बात नहीं हो रही। तो आयोडीन हमारी थायराइड ग्रंथि को सही तरीके से चलाने के काम आता है, प्रॉपर आयोडीन लेंगे तो अपनी थायराइड ग्रंथि प्रॉपर चल पाएगी। तो सी ऑप्शन आपका सही है। सी ऑप्शन पहले किसने दिया उसको देखना है, राहुल कुमार के भी तीन आ चुके हैं, सी ऑप्शन उसने दिया है। जिन लोगों ने रक्तचाप दिया है वो नमक के चक्कर में पड़ गए, उनके लिए तो बस आयोडीन नमक ये फल, ऐसा कुछ पोषण पढ़ना ही नहीं है, क्या कह रहा है? अरे बात समझ में, रक्तचाप पूजा यादव नहीं है, एनएसीएल, एनएसीएल होता है रक्तचाप। नेक्स्ट क्वेश्चन 181 पे आ जाएं। 181 बबलू मीना बोल रहा है उसका फर्स्ट था, तो मैं एक बार देखता हूं बबलू मीना की स्थिति क्या है। बबलू मीना 180 में आपने कोलाइड सॉल्यूशन दिया सबसे पहले आंसर, जो पहले का था, फिर उसने आपने राहुल का आया सी, फिर उदयबान का आया सी, फिर प्रियंका का ए, फिर सन्नी मोहन का ए, फिर हेमंत का आया सी, फिर आपका आया है छठे नंबर पर, यानी जब 5:56:10 पर राहुल का आ गया था, यानी 57:10 पर, एक एक सेकंड का आता है क्योंकि आपके मोबाइल से ज़्यादा हैवी सर्वर है हमारा, तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट टाइम के साथ यहाँ पर मिलेगा। 181 पर आ जाते हैं। अम्लीय वर्षा वनस्पति को नाश कर देती है क्योंकि, अब आपको देखना है क्योंकि का आंसर देना है। क्योंकि
आ जाओ भाई, समझे इस क्वेश्चन को, टाइम आउट हो चुका है। देखो इधर, अम्लीय वर्षा पहले भी डिस्कस हो चुकी है, फिर भी मैं बताता हूं। वातावरण की कुछ गैसेस होती हैं जो, जैसे SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लियर है, और अपने पास जैसे पॉल्यूशन वाली नाइट्रेट, अपने पास NO2, ओके, ये बारिश के साथ जाकर एक H2SO4 बना देती है और एक HNO3 बना देती है, यानी ये अम्ल बन जाता है, और ये जब अम्ल बन जाता है तो इसे बोलते हैं अम्लीय वर्षा। अब ये अम्लीय वर्षा बारिश के साथ नीचे आती है, ये अम्लीय वर्षा जितनी भी मार्बल टाइप की बिल्डिंग होती है उनको नुकसान पहुंचाती है, उनका जो व्हाइटनेस है वो खत्म करती है, तो ताजमहल का व्हाइटनेस का खत्म होने का कारण अम्लीय वर्षा है, पहली चीज ये। लेकिन ये जमीन को भी नुकसान पहुंचाती है, जमीन की उर्वरकता, जो प्लांट के लिए उर्वरकता होती है उसमें भी नुकसान, लेकिन उर्वरकता में ये नाइट्रिक अम्ल नहीं पहुंचाता, क्योंकि इसमें तो नाइट्रोजन है और पौधों को तो नाइट्रोजन चाहिए। ये HNO3 अगर पहुंच जा रहा है तो वहां पर बैक्टीरिया मौजूद है, जड़ों में बैक्टीरिया जो मौजूद है वो इसे किस में बदल देगा, नाइट्रेट में बदल देगा, तो नाइट्रोजन तो पौधों को चाहिए चाहिए ना भाई, क्लियर है। तो इसके कारण नहीं, सिर्फ किसके कारण, सल्फ्यूरिक एसिड के कारण आपकी जो वनस्पति है वो नष्ट होती है। तो आपका डी ऑप्शन सही है। ओके, डी आपका ऑप्शन सही है। और ये किसने दिया है, प्रियंका बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है, धुआंधार चल रहा है प्रियंका का हिसाब किताब। तो 182 आपकी स्क्रीन पर है, मैं आपको समझा पाया हूंगा इस क्वेश्चन को। कपास की फसल और बारिश के पानी का अलग सिस्टम है भाई, बारिश के पानी से कई बार प्याज की भी फसल खराब हो जाती है, वो डिपेंड करता है किस टाइम पर बारिश आई। 182 क्वेश्चन, हीरा चमकदार और आकर्षक होता है क्योंकि उस पर आपतित प्रकाश गुजरता है, सबसे अधिक परावर्तन कर देता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, विभिन्न सतह से परावर्तित हो जाता है। अब आपको बताना है, हीरा चमकदार होता है, कारण हीरे का चमकना किसका उदाहरण है, काफी बार क्वेश्चन आया है, तो सभी को पता होना चाहिए इंटरनल रिफ्लेक्शन, आंतरिक परावर्तन। मैं केमिस्ट्री फिजिक्स में समझाऊंगा इसको, आंतरिक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोल दो इसे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। हीरे की कटिंग की जाती है और उसका क्रांतिक कोण, मैं सारी चीज उस टाइम फिजिक्स में बताऊंगा, क्रांतिक कोण 24 डिग्री का होता है। क्रांतिक कोण वो होता है जिस पर अगर प्रकाश उससे ज्यादा पर आपतित हो जाए तो वो वापस उसी माध्यम में लौट आता है, जिससे कि परावर्तन की घटना प्रदर्शित हो जाती है। तो हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, क्योंकि कटिंग जब हीरे की जाती है तो उसके क्रांतिक कोण से जस्ट थोड़ी सी आगे, 24 डिग्री का क्रांतिक कोण है, यह भी आपको याद रखना है, क्रांतिक कोण से जस्ट आगे का किया जाता है। तो ऑप्शन अपना बी आएगा, और सबसे पहले बी किसने दिया है, टेक्निकल टीम एक बार देख के बताएगी। प्रियंका, प्रियंका बहुत धांसू आगे बढ़ रही है, तुम लोग उसे बिल्कुल नहीं पकड़ पा रहे हो, क्लियर ना, नेट स्लो चल रहा होगा या रिफ्रेश कर लें बबलू, अगर आप का क्वेश्चन लेट आ रहा है तो। आपके पास आ रहा है, हाँ, आज का दिन प्रियंका का ही लग रहा है शुरू से, कई बार होता है ना बल्लेबाज आता है और धुआंधार किसी पे मारे, वाइड बॉल पे भी छक्का मार देगा, ऐसा चल रहा है। अगला क्वेश्चन, खाद को सुरक्षित यानी परिरक्षक करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ है, सोडियम कार्बोनेट, टार्ट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड,
क्लियर है। तो खाद परिरक्षण के लिए सबसे कॉमन होता है, आपने पढ़ा भी होगा, बेंजोइक एसिड। क्लियर है, याद रखना बेंजोइक एसिड खाने को ज्यादा दिनों तक रखने के लिए जो पैकेट बंद खाना होता है, जो आप इजी डे रिलायंस फ्रेश पर पैकेट बंद खाना लेके आते हो, उसमें बेंजोइक अम्ल होता है जो खाद को काफी, खाने को काफी समय तक सुरक्षित रखता है। क्लियर है, तो ये ऑप्शन डी आंसर आएगा। और सबसे पहले डी किसने दिया है, अशोक की एंट्री हो गई है, अशोक आ चुका है, अशोक का एक क्वेश्चन और स्कोर बोर्ड पर उसका स्वागत है। क्लियर है, 184 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आ गया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को वृद्धि कर देता है, अभिक्रिया की दर में कमी कर देता है, इसकी अभिक्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं होता। उत्प्रेरक, हाँ भाई, अब देखो उत्प्रेरक वेग को, कुछ उत्प्रेरक वेग को बढ़ाते भी हैं जहां आपको चाहिए वेग बढ़े, और कुछ उत्प्रेरक वेग को कम भी करते हैं। इसलिए हम हमेशा उत्प्रेरक की जब डेफिनेशन लिखते हैं तो यही लिखते हैं कि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है, कहीं ये नहीं लिखते कि अधिक करता है कम करता है। आप सिर्फ ये लिखते हो कि उत्प्रेरक सूक्ष्म मात्रा में घेरा जाता है, वो कोई रासायनिक बॉन्ड नहीं बनाता, सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। परिवर्तित का मतलब है कि कभी हमारे को अगर बहुत ज्यादा पदार्थ बन रहा है और हम चाहते हैं कि ज्यादा ना बने, थोड़ा सा कम बने, हम स्टोर नहीं कर पा रहे, तो वेग को परिवर्तित करता है, कम भी कर देता है, ज्यादा भी करता है, डिपेंड करता है उत्प्रेरक पर, डिपेंड करता है हम पर कि हम दही को ज्यादा तेज गति से जमाना चाहते हैं, कम गति से करना, कई बार उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करता है। क्लियर है, ये चीज देखना, हमेशा याद रखना उत्प्रेरक की परिभाषा में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि वो वेग कम या ज्यादा करता है। हम प्रॉपर जब डेफिनेशन देते हैं तो ये बोलते हैं कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है, ना कम करता है ना ज्यादा, ऐसा वर्ड नहीं बोलते। कम भी करते हैं कुछ उत्प्रेरक, कुछ उत्प्रेरक ज्यादा भी करते हैं। तो आप बोलोगे उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आप अगर वृद्धि वाला बोल रहे हो तो फिर कम वाला भी करना पड़ेगा। क्लियर, वेग परिवर्तन अगर कोई ऑप्शन होता कि उत्प्रेरक अभिक्रिया की वेग को परिवर्तित करता है तो वो सही होता, अगर वो नहीं दे रखा है तो इनमें से तो कोई नहीं है। आप वृद्धि नहीं बोल सकते तो वो, अगर वृद्धि आप बोल रहे हो आपकी नजर में सही है तो वो अच्छा भी सही होगा जो ये बोल रहा है कि नहीं सब कुछ उत्प्रेरक कम भी करते हैं। क्लियर है, तो ये आंसर डी होगा। अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि आप इसमें फंस गए। प्रियंका यादव, डेफिनेशन 12वीं की हो चाहे 6ठी की हो, सीधी सी सीधी है, आप इस बात से सहमत नहीं है कि उत्प्रेरक वेग को परिवर्तित करते हैं। परिवर्तन का मतलब कम ज्यादा दोनों होता है, कम ज्यादा दोनों होता है। मैं बहुत सारे उत्प्रेरक मैं आपको बता सकता हूं जो अभिक्रिया के वेग को, अमोनिया जब गैस बनती है, प्लेटिनम एक उत्प्रेरक है जो अमोनिया के बनने की प्रक्रिया को धीरे करता है। अगर अमोनिया बहुत तेज गति से बन गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लेटिनम एक उत्प्रेरक है अमोनिया के अंदर। क्लियर है, वो अभिक्रिया अमोनिया इतनी तेजी से बनना स्टार्ट हो जाता है कि हम उसको स्टोर नहीं कर पाते, तो हम प्लेटिनम उसके अंदर डाल देते हैं, वो एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है और वो अभिक्रिया के वेग को स्लो करता है। क्लियर, पूजा यादव यहां पर होगी, उसने भी एमएससी कर रखी है, मैंने भी केमिस्ट्री से एमएससी कर रखी, तो बेफिक्र रहो, टेंशन लेने का ही नहीं। 12वीं की बुक हो चाहे 11वीं की बुक हो चाहे 6ठी की बुक हो, वो सिर्फ जो वेग को परिवर्तित करता है ये डेफिनेशन प्रॉपर है, कम ज्यादा नहीं लिख सकते। क्लियर है, और कई तो फिर तो उत्प्रेरक विष भी होते हैं, वो तो खत्म ही कर देते हैं उसकी परिवार को, और सह उत्पाद जो उत्पाद ही कई बार उत्प्रेरक का कार्य करता है, कई बार वो बढ़ा देता है, कई बार इतना ज्यादा उत्पाद होता है कि अभिक्रिया ऑटोमेटिक स्लो हो जाती है। क्लियर है, तो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, इसका किसने सही दिया था,
एक बार, किसी ने सही नहीं दिया, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है, फंस गए तुम लोग। निम्न में से कौन सी गैस सबसे अधिक पॉइजनिंग है, विषैली है, टॉक्सिन वाली है? सबसे अधिक जहरीली है, जहरीली साहब, आप मरी गए, जहरीली है, आप देख सुनते भी होगे। तो भाई आपने सर्दियों में टाइम में ये काफी अखबारों में आता है कि रात में एक परिवार मृत पाया गया मॉर्निंग में जब उठा, क्योंकि उन्होंने सिगड़ी जला रखी थी, सिगड़ी जला रखी, चारों तरफ से बंद थे, तो पांचों के पांचों परिवार के सदस्य मृत पाए गए। क्यों पाए गए? क्योंकि सिगड़ी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिली। कार्बन डाइऑक्साइड जलने के बाद बनना चाहिए था, लेकिन इसके लिए तो प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन कम हुई तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया तो ऑक्सीजन का जो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर आपके पास बनता है, जो वहां पर कार्बन डाइऑक्सीजन की जगह क्या जुड़ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ गया, और ये अपने आप में एक विषैला पदार्थ बन गया। और विषैली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड को इसलिए किया जाता है क्योंकि आप इसमें सोते सोते भी मर सकते हो, क्लियर है? और आपने कई बार अखबार में पढ़ा होगा कि अंगीठी सिगड़ी जलाते हुए रात में सो गए थे और सुबह मृत पाए गए, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लियर? कार्बन मोनोऑक्साइड आपका आंसर सही है, और कार्बन मोनोऑक्साइड 160-185 का आंसर देखें कि किसका पहले आया है, कार्बन मोनोऑक्साइड का, देख भाई 185 का हेमंत का आंसर सही आया है। तो हेमंत नई एंट्री है, तो हेमंत एक नई एंट्री के साथ प्रवेश करते हुए तो स्वागत है हेमंत का कार्बन मोनोऑक्साइड का आंसर देने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 186, हाँ 87 है तो 87 डाल दो, अगर कोई मिस हो रहा है तो क्वेश्चन 86 की जगह 87 डाल रहे हैं। क्लोरीन से जलन होती है भाई, क्लोरीन गैस जलन वाली गैस है। हाँ गया क्वेश्चन, पहले 86 था, अब 87 है। अच्छा 87 नंबर वाला चल रहा है ये, ध्यान रखना। जीन शब्द का पहली बार इस्तेमाल किसने करा, सभी को पता होगा, जोहानसन। मैं आंसर देता हूं इसका डी, वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए मॉडल डाला था, तो ये डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। जीन शब्द का पहली बार यूज किया गया, इसी को मेंडल ने फैक्टर बोला था, लेकिन शब्द पहली बार यूज करा जोहानसन ने। मेंडल ने उससे पहले बता दिया था, लेकिन उसने जीन वर्ड यू नहीं बोला था, उसको उसने फैक्टर वर्ड यूज बोला था। हेमंत ने दिया है, हेमंत चौधरी ने, और पहला वाला भी हेमंत चौधरी था, तो हेमंत के दो सही हो गए, वेरी गुड हेमंत, नई एंट्री आई और धमाधम कर रहा है, बहुत बढ़िया। 188 आंसर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बाकी बाद में देखेंगे, मेरा सही, तेरा सही, किसका सही, कौन गलत, ये बात भी। वो टेक्निकल टीम डिस्कस कर लेगी भाई। मामूली चोट पर फिटकरी रक्त स्त्राव को रोकती है, इसका कारण बताएं। रक्त का थक्का जमा देती है ना, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, क्लोजन। तो आंसर आपके पास आएगा, टाइम आउट कर दिया है, तो ये है डी ऑप्शन, COAGULTION, LATION, क्लोजन भाई,
फिटकर ही आप नाई की दुकान पर जाते हैं, शेविंग करते हैं, तो फिटकर ही लगा के वो खून रोकने की कोशिश करता है, वो गाढ़ापन हो गया या जाली टाइप बन जाता है, उसको क्लोजन बोलते हैं। तो वो आपका सही है, सभी को आता था ये क्वेश्चन, ज़्यादा डिस्कस अपन नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन 189, इसको किसने सही करा है? इसको सही करा है उदय ने, तो उदय के अपने पास तीन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, मोबाइल में तेज आता है, इसमें स्लो आता है। जर्मन सिल्वर में कौन मौजूद नहीं है? सभी को पता है कौन मौजूद नहीं है जर्मन सिल्वर में, पहले भी आ चुका है ना, इसलिए पहले भी आपका आ चुका है। नकली जेवरात बनाने के काम आती है जर्मन सिल्वर, नकली सॉरी भगवान की मूर्तियां बनाने के काम आती है, सिक्के बनाने के काम आती है। तो आपको पता है नकली जेवरात बनाने के काम आती है, इसमें चांदी तो हो नहीं सकती, चांदी के अलावा सब कुछ है, क्लियर है? तो चांदी जर्मन सिल्वर में नहीं है, नाम जरूर जर्मन सिल्वर है लेकिन चांदी नहीं है। इसमें कॉपर है, इसमें निकल है, इसमें आपके पास जिंक है, ये इसके अंदर मौजूद होता है, लेकिन एजी मतलब चांदी नहीं होता। अगर चांदी होता तो फिर नकली आभूषण बनाने में कैसे काम में लेते, क्लियर है? तो जर्मन सिल्वर सिक्के बनाने में, नकली आभूषण बनाने में, भगवान की मूर्ति बनाने में काम आती है, क्लियर है? अब किसी से कोई डिस्कस नहीं होगा किसका पहले आया, हमारे यहां पर सेट है दिमाग। किसने आंसर इसका दिया है? हेमंत चौधरी का एक और सही हो गया, तीन आ गए हैं इसके। एक सौ नब्बे आपकी स्क्रीन पर है, इसमें पीछे आता है, इस पर तेज आता है, इस पर तो पीछे ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रेडियो धर्मी पदार्थ से क्या निकलता है? रेडियो धर्मी पदार्थ से क्या निकलता है? सभी कण निकलते हैं अल्फा बीटा गामा, ये थोड़ी कि अल्फा अल्फा ही निकलेगा, बीटा बीटा ही निकलेगा, गामा गामा, सारे के सारे जो कण हैं वो निकलते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है और राहुल ने इसका फर्स्ट दिया है, तो राहुल के भी अब अपने पास कितने हो गए? चार। प्रियंका के अभी अपने पास हैं सात, उदय के तीन, हेमंत के तीन, राहुल के चार हो गए। कितने क्वेश्चन बच रहे हैं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, इसके बाद तीन और है ना, 191। राहुल जांगिड़ उपरोक्त सभी हैं, सारे अल्फा बीटा गामा सारे कण। बायोडिग्रेडेबल कौन सा नहीं है इसमें, यानी जिसको बैक्टीरिया अपघटित नहीं कर पाते वो बताना है, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको बैक्टीरिया अपघटित नहीं कर पाते? बैक्टीरिया अपघटित नहीं कर पाते वो आंसर आपको देना है, बायोडिग्रेडेबल। बैक्टीरिया उसको नहीं कर पाएंगे जो प्राकृतिक रूप से नहीं है, जैसे बैक्टीरिया घरेलू मल को कर सकते हैं, जो आप सब्जी वब्जी काट के पत्ती वत्ती जब भी बचता है घरेलू मल को कर सकते हैं, पौधों की पत्तियों को कर सकते हैं, साबुन को भी कर सकते हैं। साबुन किससे बनता है आप बोलोगे? वसई अम्ल से बनता है। वसई अम्ल किससे बनता है? वनस्पति से बनता है, सरसों का तेल हो, अरंडी का तेल हो, कुछ भी है। लेकिन डिटर्जेंट होता है, लैब डिटर्जेंट, कहीं से किसी भी टाइप का हाइड्रोकार्बन वाला जो डिटर्जेंट होता है उसका अपघटन बैक्टीरिया नहीं कर पाते, इससे वाटर पॉल्यूशन बढ़ता है। ये मैंने साबुन और डिटर्जेंट में आपको बताया था। तो बी ऑप्शन आपका आएगा और 191 का बी सबसे पहले दिया है राहुल ने। हाँ, टेक्निकल ने दिया, टेक्निकल का बी है, हाँ टेक्निकल ने दिया है, यहां पर टेक्निकल टीम ध्यान रहे,
ये वाला क्वेश्चन दिया है टेक्निकल ने, तो टेक्निकल का पहले है इसमें नहीं है, तो फर्स्ट टाइम मैं टेक्निकल का शॉर्ट में नाम लिख देता हूं, बाज, बी ए जेड जेड, तो बाज की भी एंट्री हो चुकी है। अब अपने पास लास्ट थ्री क्वेश्चन है, और लास्ट थ्री क्वेश्चन में अब हमको देखना है विनिंग के लिए राहुल को एक और दो और चाहिए, प्रियंका को अगर चाहिए तो एक, अगर प्रियंका सही दे देगी तो टॉप पर आ जाएगी, फिर उसको कोई नहीं हरा सकता। 192, और अगर नहीं दे पाई और कोई एक खिलाड़ी, ये अब क्वेश्चन आपके पास होगा, पाश्चीकरण की प्रक्रिया में दूध को गर्म किया जाता है, पाश्चीकरण मैंने आपको अभी बताया था 60 से 65 के बीच पाश्चीकरण का टेम्परेचर माना जाता है स्टैंडर्ड। तो ऑप्शन में आपको बता देता हूं, अब जल्दी टाइम आउट हो चुका है, 63 डिग्री तक गर्म करना है, लेकिन 63 के तो दो ऑप्शन है, 20 मिनट 30 मिनट, तो 30 मिनट के लिए गर्म करना है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 30 मिनट के लिए गर्म करना है, 63 डिग्री पर 30 मिनट के लिए अगर दूध को गर्म किया जाएगा तो उसके बैक्टीरिया मर जाते हैं, पाश्चरीकृत कहलाता है वो दूध। तो ये अपने सी ऑप्शन है, और सी ऑप्शन किसने दिया है, सन्नी मोहन, वेलकम। आखिर में सन्नी वॉल की भी एंट्री हो चुकी है, वेरी गुड। हाँ सन्नी मोहन ने डिलीट करा, कोई बात नहीं, अब एंट्री तो करी दी। तो आधे घंटे तक 63 डिग्री पर पानी को गर्म किया जाएगा, तो अपने स्पीड बढ़ाओ, स्पीड ही बढ़ा रहा हूं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहा हूं कि मेरे पास ढेरों क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा अपन को देर जल्दी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, जो भी मेरे को समझाना होगा मैं आपको समझा दूंगा, वहां आपका टाइम जरूर ले लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में जो फ्रिज होता है वो टॉप पर क्यों रखा जाता है, वैसे आजकल नीचे भी आने लग गए, लेकिन रेगुलरली उसमें टेक्निक अलग होती है, रेगुलरली ऐसा क्यों होता है कि जो फ्रीजर होता है जिसमें बर्फ आप जमाते हो वो टॉप पर क्यों होता है। तो सिंपल सा है, रेफ्रिजरेटर का जो फ्रिज होता है जहां पर आप जमाते हो बर्फ बर्फ, वो ऊपर इसलिए होता है संवहनीय धारा के कारण, क्योंकि ये ठंडा है, ठंडी धारा भारी होती है नीचे आएगी, ठंडी धारा हमेशा कैसी होती है, भारी होती है, तो बिगर किसी दिक्कत के नीचे तक आ जाएगी, और जो गर्म धारा है ये ऊपर चली जाएगी, तो इस तरह अपना फ्रिज क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो यही ठंडा करता है उसको। लेकिन ये वाला हो गया, यानी संवहनीय धारा, इस तरह की धारा को बोलते हैं तीसरा ऑप्शन, संवहन धारा को सुगम बनाता है कि ऊपर और नीचे जाने के लिए, यानी आपका ऑप्शन सी आएगा। लेकिन आजकल फ्रिज में जो फ्रीजर है, कुछ फ्रिजों में नीचे भी डाल दिया, लेकिन वहां पर फिर इनको मोटर लगानी होती है, आपकी बिजली ज्यादा खर्च होगी। आप ऐसा फ्रिज लोगे जिसके अंदर नीचे की तरफ अगर फ्रीजर है तो जरूर उन्होंने कुछ ऐसा इक्विपमेंट भी लगा रखा है जो संवहनीय धारा को उल्टा भी चलाए, यानी वहां पर आपकी बिजली ज्यादा खर्च होगी। तो आप फ्रिज अगर लें तो ऐसा ही लें जिसमें ऊपर फ्रीजर हो, जिसे संवहनीय, जो आपको खूब इस तरह पता है ठंडी धारा भारी होती है, आप चाहोगे कि ठंडी धारा नीचे बैठे, जैसे पूरा फ्रिज अपना ठंडक नीचे तक आ जाए सब्जी जहां रखते हैं, और गर्म धारा ऊपर आती रहे, जिससे कि वो ऐसा चक्र चल जाएगा। क्लियर है? अगर हम फ्रीजर को ही नीचे रख देंगे तो ठंडी धारा और नीचे जाएगी, गर्म धारा ऊपर उठी रहेगी, तो बीच वाला एरिया है वो गर्म ही रह जाएगा, ज्यादा समय तक गर्म रह जाएगा। अब जो फ्रिज आ रहे हैं उसमें ऐसा होता है कि कुछ मैकेनिज्म ऐसा कर दिया, मोटर वाला सिस्टम, जिससे कि वो प्रेशर से उसको घुमाएगा, फैन मान लो या कुछ भी ऐसी चीज मान लो जिसे घुमाएगा। लेकिन कोई चीज ऐसे टेक्निकली अगर आप ऑपोजिट चल रहे हो तो आपकी बिजली ज्यादा खर्च होगी, देख लेना। सेकेंड लास्ट या लास्ट, लास्ट क्वेश्चन आज का, इसको किसने दिया आंसर, टेक्निकल ने इसका आंसर दिया है, तो टेक्निकल के दो हो गए। और लास्ट आपके पास आ रहा है,
लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये सभी का सही होगा। कितना शानदार सा क्वेश्चन है, यानी लास्ट वाला क्वेश्चन किसी भी बच्चे का गलत नहीं हो सकता। देख ही नहीं रहा मैं कमेंट, क्लियर? लास्ट वाला क्वेश्चन किसी भी बच्चे का गलत नहीं हो सकता। कितनी बार आ गया कि जो सामान्य नमक होता है वो क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। सभी का ए ऑप्शन आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये अपना आज आखिरी क्वेश्चन था और विनिंग हो चुकी है प्रियंका के 7 सही है, तो इसके मुकाबले अभी कोई नहीं आया। सेकंड नंबर राहुल है जिसके 4 सही हैं, और इस वाले क्वेश्चन का अगर भी ले ले तो अशोक इसमें पहले आंसर ला रहा है, तो अशोक का एंट्री 2 हो गई है, 1 पहले एंट्री थी। तो वेल डन अशोक, लास्ट वाला क्वेश्चन दिया है, और प्रियंका को कॉन्ग्रेचुलेशन सभी बच्चे कर दें। और प्रियंका का आंसर सही है, तो प्रियंका से मैं चाहूँगा कि जल्दी से अपना फोन पे नंबर सेंड कर दें या फिर मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं वहाँ से उसको आपको सेंड कर दूंगा। क्लियर है? तो सभी बच्चे एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन कर दें प्रियंका को, क्योंकि एक लड़की होते हुए बहुत समय बाद एक बार प्रिया आई थी, या प्रियंका प्रिया आई थी गर्ल्स के अंदर, और एक बार अब ये आई है, तो बहुत अच्छा मुकाबला करा है। उम्मीद करता हूँ आने वाला कल से फिजिक्स का सेशन चालू होगा, क्योंकि मैं लगभग 200 क्वेश्चन केमिस्ट्री कर दिए, 200 एक बार फिजिक्स के कर दूंगा। तो प्रियंका का नंबर आ गया है, तो मैं जल्दी से प्रियंका को फोन पे कर देता हूँ। तो आज का विनिंग है लड़की, हुई लड़के विनिंग करी है, और बहुत ही बढ़िया, और बहुत स्टार्टिंग से इसने लीड ले ली थी। सीधी सी बात ही कि स्टार्टिंग से इसने लीड ली थी, और ये लीड इसने आखिर तक बनाई रखी है, और इसकी लीड इतनी थी कि लास्ट के आप अगर तीनों भी सही करते तो भी आप इसे पकड़ नहीं पाते। तो प्रियंका का फोन पे नंबर हम देख रहे हैं 8058747653। ये तो पंकज का नंबर है भाई, पंकज प्रियंका बन के काम कर रहा है क्या, या पंकज का नंबर पे अपन को सेंड करना है? ओके, तो ये नंबर अपन करते हैं डन। इस पे नंबर, ये इसका प्रॉपर नंबर, अच्छा पंकज वाला ही नंबर है फिर तो सही है, पंकज की सिस्टर है फिर ये, वेरी गुड, पंकज का है फिर आज, या पंकज ने नाम चेंज करके गोच्चा मारा है। चलो कोई नहीं, 50 रुपीज जा रहा है, पंकज को मत दे देना भाई। जाहिर है भाई, तो मिलेंगे भाई नेक्स्ट क्लास में। प्रियंका कुछ समय में आपका अमाउंट पहुंच जाएगा। पंकज नहीं है, प्रियंका है भाई, प्रियंका पंकज की सिस्टर है, मेरे को याद आ गया, पूजा पंकज की सिस्टर है। तीन जने, दो जने अभी खेल रहे थे। पंकज को मत दे देना, अपने पास ही रखना, उसके खाते में आएंगे बस। अभी थोड़ी देर में देख दूंगा, ये नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है ना, अभी थोड़ी देर में। ओके, और इतनी की क्लास लगेगी।